रितु जी के लेके भी गई हुई है ना, अगर ये बात सच भी हो तो मैं हम रितु जी के खींच के लेके आए भैया। हाँ भैया, अपने आप की संभाली। पहले हम लोग की लागत रहे कि रितु भाभी ठीक पड़ी, लेकिन अभी सिंह साहब की बात सुन के तो हमरो विश्वास टूट गए। भैया खुद के संभाली, सिंह साहब रेवा से झूठ काहे बोली है। वही तो, हम हो घर परिवार वाला आदमी बने, हम काहे जानबूझ के केहू के ऐसे सदमा दे। हम जौन भी कहता नहीं, सबूत के आधार पर कहता नहीं। हे भगवान, ई का कह देला तू, हमार रितु केहू के का बिगड़ ले राली, जकरा के इतना वर्ष सजा देनी है भगवान। चले चले हटिए मेरे मित्रों के पास से, हटिए सब लोग। ऐसे दिल छोटा मत करो मितवा, मुझे खुद बुरा लग रहा है कि ये सब कैसे हो गया। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगी। मैं तो तुम्हारी पत्नी थी तो क्या, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। मुझे लगता है कि इस तरह रोने का कोई फायदा नहीं है। दिल में थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ, चलकर रितु की लाश को देख लो। चलो मितवा, जो सच है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा ना मितवा, और उस सच का सामना करने में मैं तुम्हें हिम्मत दूंगी। इस समय में मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती मितवा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ रितु की लाश को पहचानने में। चलो मित्रा। अगर रितु के जाने का गम मुझे मारने से कम होता है तो मैं खुशी खुशी मार खाने के लिए तैयार हूँ। जितना मारना है मारो मुझे, मारो मारो मुझे। मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं देख सकती। तुम्हें तड़पता हुआ देखकर तुमसे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारे दुख में शामिल हो सकूं, बल्कि इसलिए भी मुझे तुम्हारा दुख दूर करने का अधिकार है, और मैं अपने इस अधिकार को कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे अधिकार नहीं है तो बोल दो, और अगर ऐसा है कि मुझे ये सब अधिकार है तो इन सबके सामने बता दो। बोलो मितवा, बोलो। हाँ मैं भाई, लेकिन वो लाश तो हमारा ना रहना, वो तो केहू और ही के लाश है। वैसे ही माही, ये जो रितु के लाश है, हम लोग बताओ तो रंजा, ये रितु के लाश ना है माही, केहू के और ही के लाश है। माही भाई तू ही बताओ ना, तू बताओ ना कि वो समय तरह कैसे पता चल कि वो जो लाश रहे वो हमार ना रहे, वो केहू के और ही रहे। बताओ ना भाई कैसे पता। उल्लास के शरीर के निशानी देख के हमने के पता चल गए रहे कि उल्लास तोहार नहीं खे। हाँ बेटा, ठीक बा, तो ये बार भी रावलोग ऐसे ही संतुष्ट करी। बताई रितु जी के शरीर पे कोई निशान रहे? हाँ, लेकिन चेहरा के छोड़ के बताई, ताकि चेहरा पे निशानी रहे या ना रहे, चेहरा देखे लायक नहीं बचल। हाँ सिंह साहब, हमारा क्या याद आ गई माई, रितु के शरीर पर एगो निशान बाटे, उनका हाथ के हथेली पर एक के साथ है दूगो करिया तिल बाटे। सिंह साहब, हम लाश का हाथ तो देख सकते हैं ना? देखा
देखलू चाची, देखलू मई, हमार बात तो साबित भइल ना, ये हाथ पर तिल नहीं खे। ये हमार पत्नी रितु है ये नहीं, ले जाइए करा के, अरे ले जाइए। मिथिलेश जी, रावा के कोनो चोक तो नहीं खे भइल, पक्का ये रावर के पत्नी के लाश नहीं खे। सिंह साहब, हम गारंटी के साथ कहते नहीं, लाश जोन बैठे तो हमार पत्नी रितु के ना, ले जाइए करा के, अरे ले जी महाराजा करा के। अब तो चुकी रितु जी की लाश की शिनाख्त हो गई बा, अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करता नहीं। कैसन प्रक्रिया सिंह साहब? लाश के रावल लोगन के हवाले करे के प्रक्रिया, ज्यादा कुछ ना, बस एक पेपर पे साइन करी के बड़ी, बाकी लाश के पोस्टमार्टम तो पहले से हो चुकल बा। तो बताइए रावल लोगन में से कौन पेपर पे साइन करी? ऐसा में तो मिथिलेश की साइन करे के चाहिए, क्योंकि मिथिलेश हालात में नहीं की साइन कर पाई, तो साइन मैं करूंगी। कहाँ करना है? यही जा। ये लीजिए। ठीक बा, हम चलते हैं। चलो। पेपर पे साइन कौन परिवार के सदस्य ही करे के चाहते रहे? मैं भी इस परिवार की सदस्य हूँ, समझे गुंडे? संगमित्रा कहाँ चल गई लड़की? संगमित्रा स्टोर रूम के दोनों चाबी ओकरे पास बा, देख लेता नहीं। कुछ चाबी तो मिल गई, गोपू ये चंदन की माला ये लो। लेकिन संगमित्रा बड़की माई तो स्टोर रूम के चाबी लावे खातिर तहरे रूम में गई बड़ी, काहे कि रितु भाभी के फोटो पर ही चंदन के माला चढ़ावे के रहे, वो स्टोर रूम में रखल रहे। लागत था कि बड़की माई शायद तहरे रूम से चाबी लेके स्टोर रूम की तरफ गई हुई है, तो हम अभी बुला के लिया बता नहीं। नहीं रुको, तुम रुको, मैं बुला कर लाती हूँ, तुम जाओ। ठीक बा। मेरे कमरे में स्टोर रूम की दूसरी चाबी रखी है, इस बुढ़िया को रोकना होगा।
रुकिए आंटी जी। आप स्टोर रूम में चंदन की माला ढूंढने जा रही है ना? हाँ, माला लेवे छात्रा ने, बाकी चाबी तो तुहरे पास रहे, यही से चाबी लेवे तुहार कमरा में गैल रहनी। तू तो ना मिलू, चाबी मिल गई। ठीक है, वो चंदन की माला तो मैंने कब की गोपू को दे दी है, और वो माला रितु की फोटो पे भी चढ़ चुकी है। आप जाइए, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। अच्छा हुआ बुढ़िया जो तू मेरी बात मानकर यहां से चली गई। अगर तू कमरे में घुसती ना तो इसी चाकू से मैं तेरा सर काट के धड़ से अलग कर देती। हम तो मेरे सामने हाथ जोड़ा कर रही हूँ, अभी तो एजा से चल जा, प्लीज एजा से चल जा। ये काफी थी, हम तो यहाँ ये सोच चाहे थे कि तुम अपने घर में हमारा वेलकम करोगी, लेकिन तुम तो घर आए मेहमान को भगा रही हो। हमार मजबूरी समझे की कोशिश करा हूँ, रितु भाभी के मरला के बाद घर के माहौल ठीक नहीं थे, और हमने खिंचा कि अभी तारा वजह से ही मातम के माहौल में और कोनो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाए, समझे की कोशिश करा। तुमको क्या लगता है प्रीति, हम यहाँ माहौल खराब करना है? अगर तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो ना तो बहुत गलत सोचती हो प्रीति। फोन किए थे ना, मिलना चाहते थे नाम से, मंदिर के बाद चाय वाले को रुद्राक्ष दिए थे ना हमारे लिए, ये देखो पहने भी हम। रुद्राक्ष हम लाके दे दो। अरे इस गुंडे को इस समय कौन सा काम याद आ गया? चलो अच्छा ही है जो ये जा रहा है, अगर यहाँ रहता तो मैं कुछ भी करने जाती तो मुझे टोकता जरूर। इस घर में कितना भी कुछ हो जाए रोज उस खाना तो खिलाना पड़ेगा। अरे तुम तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे हम तुम्हारे दोस्त ना ही दुश्मन है। ऐसा बात नहीं खे हो, तू हमारा दोस्त पड़ा, लेकिन अभी ऐजा की परिस्थिति समझे की कोशिश करा, अभी तहार ऐजा से चल गई ही ठीक रही। तुम तो हमारा चरित्र जानती हो ना प्रीति, हम जहाँ जाते हैं अपनी मर्जी से जाते हैं और वापस भी आते हैं तो अपनी ही मर्जी से आते हैं, लेकिन अगर तुम इतना विनती कर रही हो तो हम तुम्हारा विनती सुन लेते हैं। अभी तो जा रहे हैं लेकिन जल्दी मिलेंगे। ओम नाम है हमारा, हमको सबके बारे में सब कुछ पता है, चलते हैं। वैसे उस दिन मंदिर में सब कुछ ठीक था ना, हमको मिलने बुलाए पर हमसे मिले भी नहीं। देखो ओजा हम पूरा परिवार के साथ रहनी, अगर तारा से मिलत हमरा के केहू देख लेतना तो बहुत बड़ गड़बड़ हो जाए, यही से हम तारा से ना मिले। वैसे इतना ही डर था, बुलाए का है वैसे बता दें। प्रीति अरे अंदर इतना कुछ होवा था और पूरा परिवार के अंदर बैठल बार तू ऐसा अकेले बारे काहे खड़ा बाड़ू? ओ नागेश जी हम ओ का हो का भाई प्रीति बोला ना, तरही
हाथ में कापा? बोला प्रीति कहा ले ले पड़ोगे हाथ में, अरे दिखावा ना। अरे कहा पता रहा हाथ में ये दिखा। ये तो वही रुद्राक्ष बाना जे हेरा गए रहे। हाँ ये उहे बा। फिर अचानक से कैसे मिल गई? तो बस में छूट गए रहे ना? हाँ नागिर जी, वो कहा ना कि हमरा के लागत रहे कि शायद ही बस में गिर गए होके, लेकिन ये तो एजे रहे। एजे? हाँ वो शायद घर से निकलत समय ना कहीं एजे गिर गए हो, तो अभी देखी ना अचानक से हमरा के मिल भी गई। गीता के मुखाग्नि देवी पंडित जी तने ही पकड़ी था। हा भाई महेश, ये हमरा का काहे के देत बा? पकड़ी ना मिसेस, का भइल? पंडित जी जो कहता रहे कही ना। मुखाग्नि दा बेटा। बस एक मिनट दे हमरे, अभी आओ। मिसेस, दीदी जी मिसेस ऐसे कैसे चीता के छोड़ के चल गए? कहाँ गए? हाँ हमरा की खुदे समझ में नहीं आवता कि मिथिलेश के अचानक का काम याद आ गई। बस वह अधिकार हम ऋतु के देवे जाते नहीं। मैं मिथिलेश ऋतु के अब कोनो अधिकार ना बचल बा। अब जौन भी अधिकार बचल बा उतार बा। हार अधिकार ई बा कि ऋतु के चिता के आग दे। हाँ भैया, ये रहुआ कौन अधिकार की बात करे तानी? वह अधिकार जन ब्याह के बाद हर सुहागन के मिलल। ऋतु खातिर तेज सजावे के मौका तो हमरा के कभी न मिला, लेकिन आज आज हम ऋतु खातिर जब चिता सौजौले बनी तो इनकर मांग हम सुना कैसे छोड़ दी भाई। भाई हमारी इच्छा तो ये बैठे कि हम इनकर के दुल्हन नियत सजा करके इनकर विदा कर, लेकिन ऋतु के हालत में हम ऐसा नहीं कर सकत भाई। हाँ पर अपन ऋतु के मांग तो हम भर सकी ला। पंडित जी चिता के मुख अग्नि दिहला से पहले हम ऋतु के मांग तो भर सकिलन। मितवा, लेकिन सिंह साहब ने कहा था कि तेंदुए के हमले से ऋतु का पूरा चेहरा खराब हो चुका है, ऐसे में जो तुम करने जा रहे हो वो कैसे हो सकता है? ऋतु के पूरा चेहरा ढकल रही तब हम सिंदूर लगा सके। ऋतु के बस पर अब मांग मुझसे दूर लगा दे। पंडित जी ऊपर से बस पर मुझे कपड़ा खोल मेरे बस मांग में सिंदूर भरे के। ठीक बा, अगर तहार यही इच्छा बा तो पूरा कर ला।
मार जान कैसे बचल, इमली के लाश की वजह से रउआ लोग की गलतफहमी कैसे भई, सब तो हम रउआ लोग के बता दिए नहीं, लेकिन हम ऊपर से फिसल के खाई में कैसे गिरनी, रउआ लोग ये जानल ना चाहब का, अगर रउआ लोग की लागत है कि हम खुदे फिसल के वो खाई में गिर गए नहीं, तब रउआ लोग बहुत गलत सोचत नहीं, सच्चाई तो कुछ और ही है बा, और वो सच्चाई इतना कड़वा बा कि ओकरा बारे में सोचले मात्र से हमारे अंदर चिता से भी तेज आग भभके लागता। असल में हम खुद से ना गिरनी, हमरा के धक्का दियल गई, और वो धक्का देवे वाला इंसान एक घर में से ही क्यों एक बार। आखिर वो के बाद जे हमरा के मारे की कोशिश कैलस, हम अपने आप के बहुत भाग्यशाली समझत रहनी कि हमरा के इतना प्यार करे वाला परिवार मिलल बा, लेकिन हमरा के तनिको अंदाजा ना रहे कि ये प्यार के पीछे के मकसद इतना खतरनाक हो सकेला। जब मुखलेश दोहरा की जोड़ा में देखिए उपरे मन में प्यार के एहसास जागे। रितु बेटा तारा साथे मिथिलेश गुली करत रहनु, हमरा तनको नहीं माने खेला। आज हमारा और आपके बीच में नहीं तो कोनो पर्दा बा और ना ही कोनो दीवार, अगर बा कुछ हो सिर्फ और सिर्फ प्यार। ऐसे समय में हमरा के राउर मदद करे के चाहे, यही से रवा जाए आराम करे, ये सब काम हम कर ले, और वैसे भी दिन भर काम करत करत रवा थक गए होख भी। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, ये बात जानकर मैं इतना हर्ट हुई हूँ कि मेरा रोने का मन कर रहा है। रितु आज मिथिलेश तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर ले, हम जाना ताने तरह के बहुत दुख पहुंचा रहे, और मिथिलेश के अपने बर्ताव खातिर तरह से माफी मांगे के चाहे। पिछली बार मिथिलेश भैया रितु भाभी के ब्याह के तक कोनो फोटो वीडियो नहीं खे, लेकिन ई बार खूब फोटो और वीडियो होई। रउआ लोग में से जे भी हमरा के जान से मारे के कोशिश कैले रहे, समझ लिए कि अब ओकर पूरा दिन शुरू होखे वाला बा, काहे कि अब हम वापस आ गइल बानी और वो जिंदा, और ये बार उतुरन की रितु ना बल्कि बदला लेवे खातिर एगो नया रितु आई है। ये घर में जे भी हमरा जान के दुश्मन बा, जब तक हम ओकरा चेहरा के बेनकाब ना कर देहब, तब तक हम चैन के सांस ना लेहब।